अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद महावीर साहब, सीईओ एंड फाउंडर एट सेवा साहब। टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज गेटिंग एडमिशन इन एमएस एट प्यास विद राय मोहम्मद दानिश साहब। राय मोहम्मद दानिश साहब अभी करंटली जो है एमएस का कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं फ्रॉम प्यास। बाकी की कहानी उन्हीं से पूछते हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उन्होंने एमएस के लिए एडमिशन कैसे लिया। तो राय मोहम्मद दानिश साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। थोड़ा सा आप बता दीजिएगा कि एमएस करने से पहले आपकी थोड़ी एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि आपने बीएस कहाँ से किया, एफएससी कहाँ से की, मैट्रिक कहाँ से किया, और इसके अलावा कोई जो है एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा बताना चाह रहे हो अपने बारे में। थैंक यू वेरी मच। आपने मौका दिया प्यास के बारे में, मेरी अल्मा मात्रा के बारे में बात करने का, क्योंकि बड़े कम लोग जानते हैं प्यास के बारे में। और ये एक ज़रा इंजीनियरिंग सर्कल के अंदर ये ज़्यादा लोग इस नाम को जानते हैं। जी सर, जी 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 तो मैट्रिक मेरा था स्कूलिंग, और मैट्रिक मेरी IMCB से थी, IHT से, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ से। और उसके बाद मैं इंटरमीडिएट के लिए FG सर सैयद कॉलेज गया, रावलपिंडी कैंट के अंदर, जो दिमाल के अंदर है। और उसके बाद मैंने अपना BS किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर प्यास से, और जिसके अंदर मेरी स्पेशलाइजेशन थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन के अंदर। और उसके बाद अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के अंदर प्यास ठीक से। है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी इंप्रेसिव जर्नी है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि जो है अगर कोई भी बंदा जो है एमएस के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, चाहे वो बीएस में प्यास से पढ़ा है या आउटसाइड दी यूनिवर्सिटी आ रहा है, एक तो थोड़ा सा इस बारे में जो है रोशनी डाल दें कि क्या अगर किसी ने बीएस प्यास से किया हो उसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस डिफरेंट होता है या मतलब सेम ही होता है, और अगर सेम डिफरेंट होता है तो वो क्या डिफरेंस होता है, मतलब कोई भी एमएस के लिए अप्लाई करना चाहता है जो आइदर फ्रॉम प्यास यूनिवर्सिटी एंड एनी अदर यूनिवर्सिटी। एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर जो प्यास का BS है उसका मास्टर से वैसे डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर। ठीक ओपन एडवर्टाइज आती है, उसके अंदर आपको बताया जाता है पूरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में, आपके स्टाइपेंड्स के बारे में, किस किस फील्ड के अंदर वो ऑफर कर रहे हैं, और वहाँ से आपने अप्लाई करना होता है। मास्टर्स के अंदर आपका एक ऑनलाइन एक पोर्टल बना हुआ है रेड के नाम से, रेड प्यास के नाम से, तो आप उसके ऊपर अप्लाई करें। एक फ़ी चलान है जो कि आपने जमा कराना होता है 3,500 का अस्करी बैंक के अंदर, और उसके बाद आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें। ठीक और है, इसका टेस्ट होता है, टेस्ट पहले ये होता था टेस्ट इस तरह का कि इनके दो पार्ट्स होते थे टेस्ट के, एक जनरल पार्ट होता था और एक आपका फील्ड स्पेसिफिक पार्ट होता था। और ये दोनों 50-50% मार्क्स के होते थे। 50% जनरल पार्ट होता था जिसके अंदर आपके ज़्यादातर डाटा आता था FSC से, FSC की मैथ आती थी, इंग्लिश आती थी और फिजिक्स आती थी, या आपके जो भी फील्ड है उससे। और बाकी जो आपका स्पेशलाइज फील्ड है ना, जैसे अगर मैंने इलेक्ट्रिकल के अंदर किया हुआ है और मैं इलेक्ट्रिकल की स्पेशलाइजेशन के अंदर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो वो उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल के अंदर से आपसे पेपर लेंगे। लेकिन 2020 के अंदर इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे किया कि इन्होंने जनरल पार्ट जो है वो ड्रॉप कर दिया। वो शायद इन्होंने पेंडेमिक की वजह से किया था या कोई और रीज़न थी। तो 2020 के अंदर इन्होंने जनरल पार्ट ड्रॉप करके कम्प्लीटली पेपर आपका स्पेशलाइज रखा था कि अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आपका कम्प्लीटली मैकेनिकल से आपका आएगा पेपर आएगा, इलेक्ट्रिकल के हैं तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल से आएगा। तो अभी एक्सपेक्ट, इन्होंने इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं है, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेडली ना इस साल भी ये यही रहेगा। लेकिन आप एडवर्टाइज 23rd को होनी है, तो आप उस वक्त जिसने भी देखना है ना उसके बारे में, तो वो स्पेसिफिकली देख सकता है कि इस मरतबा कैंडिडेट्स किस तरह का होने वाला है। माशाल्लाह। अच्छा, आपने मुझे जो इधर एक क्वेश्चन बनता है, आपने कहा कि जो अब स्पेशलाइजेशन बेस पे जो है वो आपका टेस्ट आता है, तो मुझे बताएं एग्जांपल लेके, जैसे आपने जो सबसे बड़ी क्यूरी की है कि मतलब आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपने बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया था, तो आपका टेस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होता है टुवर्ड्स गेटिंग एडमिशन इन दी एमएस? मैं अपना स्पेसिफिक केस बोल के इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, पहले मैं इस जनरल बताता हूँ हाँ किस तरह जी, करके। हाँ फर्स्ट जी, थिंग हाँ अगर मैं जी, इलेक्ट्रिकल की हूँ, इलेक्ट्रिकल के अंदर अब मेरे सब्जेक्ट्स कौन से थे स्पेशलाइजेशन के अंदर, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स थे, तो जी। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी पेपर उन्होंने डिफरेंट रखा हुआ है, और उसके बाद उन्होंने पेपर रखा हुआ है इसका पावर वालों का डिफरेंट रखा हुआ है इलेक्ट्रिकल क्या, के अंदर भी। ठीक तो ठीक मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का था, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई किया, सिस्टम्स के लिए अप्लाई किया, और उसके अंदर मैंने एडमिशन लिया। अब दो टाइप ऑफ स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ स्टूडेंट जो कि मास्टर्स वहाँ पे कर रहे हैं। जी एक तो जी है रेगुलर फी बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, और एक फेलोज हैं। जो फेलोज हैं ना उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपने सिस्टम्स के अंदर या पावर के अंदर ही ना आपने मास्टर्स करना है। लेकिन अगर आप रेगुलर फी की बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, देन देयर इज सम काइंड ऑफ लीनियंसी कि जो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट्स अगर आपने पढ़े हुए हैं ना, जैसे मैंने उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स अपने BS के अंदर पढ़े हुए थे, तो दे अलाउड मी टू गो इन टू कंप्यूटर साइंस, दे वर ऑल्सो अलाउंग मी टू गो इन टू साइबर सिक्योरिटी, जो उनसे उन्होंने मास्टर्स ऑफर किए।
तो मेरा, अगर आप रेगुलर फी के ऊपर जा रहे हैं ना तो आप स्विच कर सकते हैं इजीली, लेकिन अगर आप फेलो के ऊपर जा रहे हैं दे आर पेइंग यू एंड दे आर पेइंग योर फीसेस तो यू हैव टू प्ले ऑन देयर टर्म्स। ठीक ठीक सही, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी आप जो टेस्ट देकर हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का ही टेस्ट देकर आए थे, या मतलब जो भी जनरली कोई भी बंदा जो भी स्पेशलाइजेशन जो उसने बीएस में पढ़ा है वो देगा, अल्टीमेटली वो कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहता है वो बाद में डिसीजन होगा, वो डिपेंडिंग अपॉन अगर वो फेलोशिप है वो रिस्ट्रिक्शन है नहीं है तो आपको जो है इवन डिफरेंट ब्रांचेस में भी जाने की इजाजत होती है। डन हो गए। अच्छा अच्छा मुझे बताएं कि एक बंदा टेस्टिंग जो है इसकी क्लियर करना चाहता है, एक तो आपने बता दिया कि पहले जनरल और वो स्पेशलाइज आता था, आप सिर्फ स्पेशलाइज आता है, तो उसके लिए आपने क्या कोर्स बुक पढ़ी या कोई स्पेशलाइज कोई बुक्स भी होती हैं, जैसे मतलब एक टेस्टिंग के लिए बुक्स भी बनी होती हैं इसके बारे में, मतलब कोई भी अगर करना चाह रहा है तो वो कौन कौन सी किताबें पढ़े जो है प्यास में एमएस? मेरे पर्सनल लेवल पे मैंने तो जो मेरे कोर्सेज थे ना, जो सब्जेक्ट्स थे, मैंने जो नोट्स बनाए हुए थे अपने बीएस के अंदर, ज़्यादातर मुझे वही रिवाइज करने पड़े। जनरली टेस्ट ऐसा होता है कि वो आपके जो उस फील्ड से रिलेटेड कोर कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो देख रहे होते हैं, जिसके ऊपर वो बिल्ड आप कुछ ना कुछ कर सकें। तो अगर आप अपने बीएस अच्छे तरीके से किया हुआ है और आपको वो चीज़ें रिमाइंड है और अच्छे तरीके से आप उसको रिवाइज वगैरह कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू कि आप वो टेस्ट पास कर सकें। ठीक है सही। यानी एक बंदा जिसने भी बीएस के कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं वो जो है वो मोस्टली अच्छा, अब थोड़ा सा ये भी होता है कि जो है ना बीएस का तकरीबन कोर्स कंटेंट तो ऑब्वियसली एचईसी ने रिकमेंड किया होता है तो वो जो है ना वो तकरीबन सेम होता है, लेकिन फिर भी टीचर टू टीचर थोड़ा सा चीजें वेरी कर जाती है क्योंकि ये कोई एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट तो होते नहीं है कि बस यही पढ़ाना है, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे वो हो जाता है। तो यानी कि प्यास का जो मेथोडोलॉजी होती है टुवर्ड्स गेटिंग एमएस के आपके कोर कॉन्सेप्ट्स वो की बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि तकरीबन हर जगह पे यूनिवर्सिटीज में तकरीबन सेम लेवल पे ही पढ़ाए जाते हैं। और इसके अलावा ताकि इन्होंने ग्राउंड लेवल करने के लिए ना, जैसे आपने कहा था कि बीएस वालों के लिए कुछ जो जिन्होंने बीएस किया है प्यास से उनके लिए क्या अलग प्रोसेस है, उनको डायरेक्टली तो फायदा नहीं होता, लेकिन जब वो सेम प्रोफेसर से पढ़े हुए होते हैं ना तो उनको पता होता है कि उस प्रोफेसर किस तरीके से किसी सब्जेक्ट को देख रहा है, तो वहां पे उनको स्लाइटली बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन इस बेनिफिट को इक्वलाइज करने के लिए ना प्यास की वेबसाइट के ऊपर जो उनसा उनके रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है, जब आप रजिस्टर करते हैं वो नीचे टॉपिक्स उन्होंने स्पेसिफिक दिए हुए हैं कि जो वो टेस्ट कवर करेंगे ना वो उन टॉपिक्स में से करेंगे। लाइक अगर वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, उन्होंने मेंशन किया कि 40% आपका इन टॉपिक्स में से आएगा, बाकी 40% इन टॉपिक्स में से आएगा, और 20% उन्होंने अलग मेंशन किए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ये चीजें उनमें से आएगा। अच्छा, तो अच्छा, आपके लिए वो अगर आप उनको देखें तो जरा इजी हो जाता है। ठीक है, यानी वो आपको कोर्स कंटेंट थोड़ा सा पहले ही बता देते हैं, रिवील करते हैं। आपको कंप्लीटली गो थ्रू नहीं होना पड़ता, आप स्पेसिफिक टॉपिक्स निकालें, आप इंटरनेट से तैयारी कर सकते हैं, आप अपने पुराने नोट्स के अंदर आप सब्जेक्ट के अंदर वो वाला टॉपिक खोल के आप देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ये अभी आपने कहा कि बीएस वालों को चूंकि आपने थोड़ा लेक्चरर जो बीएस से आए होते हैं प्यास से उनको लेक्चरर का पता होता है तो थोड़ा इजी हो जाता है, तो आया इस तरह होता है कि एमएस में प्यास के ही बीएस वाले ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, मतलब जो है जितने भी जो सिलेक्शन होती है मतलब 40% या 30% या 100% जो होती है उसमें कितने परसेंट जो है वो बीएस प्यास से आए होते हैं और कितने परसेंट आउटसाइड भी जो है बीएस ऑफ प्यास आए होते हैं? बीएस वालों के लिए टेस्ट क्लियर करना रिलेटिवली मेरे ख्याल में इजी होता है, लेकिन अगर आप रेशो इस तरीके से देखें ना तो अब जैसे तकरीबन 15-16 की क्लास थी सिस्टम्स इंजीनियरिंग की, उसमें से 3 लोग थे वो थे प्यास के पुराने ग्रेजुएट थे और बाकी सारे ईएमई से आ रहे थे, नस से बहुत ज्यादा लोग आते हैं, ईएमई नस वगैरह से, एसटीएल वालों से, यूईटी से लोग आते हैं, तो एक रेशो बराबर से बनी हुई है। अब आपको स्टैट्स देख के ऐसे लगता नहीं है कि उन्हें कोई स्पेसिफिक किस्म का फायदा हुआ है। ठीक है। अच्छा चले, टेस्टिंग मेथोडोलॉजी तो आपने बता दी कि आप कोर्स कंटेंट पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कोई आप ग्रुप रिकमेंड करना चाह रहे हो या मतलब कोई ऐसे ऑनलाइन जो है जहां से जाके हमें जरा हेल्प मिल सके, या इवन पांच पेपर अगर प्यास के कहीं से मिल सके तो कई ऐसी वेबसाइट है हेल्पफुल जहां से या ग्रुप्स जहां से आप जो है वो उसकी प्रिपरेशन में ईजनेस फील कर सकें? फेसबुक के ऊपर प्यास एमएस एडमिशन टेस्ट के नाम से इन्होंने जो उनसे एलुमनाइज वगैरह उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंदर उन्होंने मटेरियल काफी रखा हुआ है, गूगल ड्राइव्स अपलोड की हुई हैं, पुराने पेपर काफी हद तक उन्होंने अपलोड किए हुए हैं, तो वहां से आपको अच्छी खासी हेल्प मिल सकती है। ठीक है सही है। आप इसके अलावा आप सब्जेक्ट्स जो उनसे कीवर्ड है ना उसको यूज करके उसके साथ एमसीक्यूज का कीवर्ड यूज करें तो काफी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि आपको ऑफर करती हैं कि जी किस तरह के एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है कि वो टॉपिक किस तरीके का है। ठीक है, तो ये वाली सर्च जो है वो गूगल पे ही करनी है? ठीक है, मतलब आप सब्जेक्ट से रिलेटेड के एमएस में जो है
दाखिले के लिए, या मतलब कोई स्पेसिफिकली प्यास से रिलेटेड होते हैं ये क्वेश्चंस? जो उनसे मैंने ग्रुप की बात की है ना, वो फेसबुक के ऊपर ग्रुप है और वो बड़ा वेबसाइट लेवल का ग्रुप है, वो बहुत कंटेंट उसके ऊपर पड़ा हुआ है। उसके ऊपर गूगल ड्राइव्स मैंने जैसे आपको बताया कि कम्प्लीटली अपलोड हुई है, जीबीस के हिसाब से आपको हर सब्जेक्ट का मेटेरियल मिल जाता है उसके ऊपर। तो वो आप कोशिश उधर से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। फोरम भी है, लोग क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह भी कर रहे होते हैं वहाँ पे। जैसे आपको लाइव कोई क्वेश्चन आता है, आप फॉर्म फिल करें, आपको कोई कंफ्यूजन आ रही है, तो आपको वहाँ पे उसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो इस तरह की चीजें आपको काफी ठीक है। प्यास एमएस जो है एडमिशन के नाम से, एमएस एडमिशन, ठीक है। अच्छा अच्छा मुझे बताएं कि जो एक दफा आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, आपने पेपर जो है वो स्पेशलाइजेशन अपनी क्लियर कर ली, उसके बाद आया कोई इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है जो है एमएस के लिए? आपका जब टेस्ट क्लियर होता है तो उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट लगती है। ये आपको मार्क्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताते, एक मेरिट लिस्ट लगाते हैं जी जी। और उस वो मेरिट लिस्ट के अंदर बंदे होते हैं ऑलमोस्ट 3 to 4 times ज्यादा होते हैं जितने उन्होंने सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है, जो कि एक जनरल एचआर का रूल होता है। डन, और उनको वो इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं, और इंटरव्यूज के दो पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर भी एक जनरल इंटरव्यू होता है और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंटरव्यू होता है। जनरल इंटरव्यू में वो ये करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे होते हैं, पर्सनैलिटी इंटरव्यू होता है वो, कि आप उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, आपके थॉट्स क्या, आपके आइडियाज़ क्या हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं है किसी हद तक, ये वाली चीज़ें इसको वो जज कर रहे होते हैं इन बेसिस के ऊपर। और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है इंटरव्यू होता है, उसके अंदर 3-4 गुरु बैठे होते हैं सब्जेक्ट्स के, और वो जितना आपसे पूछ सकते हैं उतना आपसे पूछते हैं। ठीक है, सही सही। अरे इधर एक और मजे का क्वेश्चन बनता है कि ऑब्वियसली ये क्वेश्चन इवन मुझे नहीं पता प्यास में पूछा जाता है कि नहीं, लेकिन सीएसएस में ना ये बड़ा एक कॉमन सा फिनोमेना होता है कि जब आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए होते हैं और आपने आगे सब्जेक्ट जर्नलिज्म सोशियोलॉजी लिया होता है, तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि भाई आप फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ के आए थे तो क्या हुआ कि आपने आते ही जो है ना वो सिलेक्शन के दौरान जो है ना पेपर्स के दौरान जो है आपने जर्नलिज्म और सोशियोलॉजी जो है, तो आया जब आप जो है बीएस एक खास जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में या कोई भी बंदा किसी और में करके गया और आगे फ्यूचर में वो एमएस डिफरेंट ब्रांच में करना चाहता है, तो इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों आप जो है अपनी ब्रांच चेंज करना चाह रहे हैं? आपने इंटरव्यू लेवल तक ना आपके साथ जो होता है कि आप कम्पीट कर रहे होते हैं, वो ये सपोज करते हैं कि आप कम्पीट कर रहे हैं फेलोशिप के लिए। जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं ना, उसके ऊपर 3 प्रेफरेंसेस लिखी हुई होती हैं। जैसे आपने फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर फेलोशिप रखनी है, यानी सेकंड प्रेफरेंस के ऊपर कोई और किनपो इंस्टीट्यूट रखना है, और उसके बाद आपने रेगुलर फी बेसिस के ऊपर करना है या नहीं। तो इंटरव्यूअर है ना, वो ये अज्यूम कर रहा होता है कि आप फेलोशिप के लिए कम्पीट कर रहे हैं, और वो ये अज्यूम कर रहा होता है आप अपनी फील्ड के अंदर जाएंगे। फर्दर जब कम्पीट हो जाता है ना वो, उसके बाद आपका डिसाइड होता है कि आपने, अगर आप रेगुलर फी बेसिस के ऊपर हैं तो आपको ऑप्शन होता है कि आप स्विच करना चाहते हैं किसी फील्ड के अंदर। जी, तो जी। उस पॉइंट के ऊपर वो आपको इतना ज्यादा तंग तो नहीं करते, मेरे एक्सपीरियंस के अंदर तंग नहीं करते वो, लेकिन एक आपको अक्सर छोटी सी एप्लीकेशन लिख के कंट्रोलर से आपको या रजिस्ट्रार से ना आपको कंसल्ट करना पड़ता है, और वो आपकी पर्सनल बेसिस के ऊपर आप फी पे कर रहे हैं, तो आपको वो उतना तंग नहीं करते उसमें। ठीक है। अच्छा, आपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि एक जनरल पोर्शन होता है और एक जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो ऑब्वियसली जो भी स्टूडेंट्स होगा उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएंगे। अब जनरल में मोस्टली आपने जैसे बताया कि देख रहे होते हैं कि बंदा एक्सट्रीम तो नहीं है, या मतलब ऑब्वियसली आप मेडिसिन में काम करना है, और इसके अलावा क्या जनरल नॉलेज देख रहे होते हैं, इंग्लिश, मतलब क्या क्या मेनली उसमें जनरल में क्या क्या आप इसके अलावा चीजें देख रहे होते हैं? लोगों के एक्सपीरियंसेस मैंने सुने हैं, हर साल वैरी करता है। आपसे जनरल नॉलेज के बारे में भी पूछ रहे होते हैं, आपसे करंट अफेयर्स के बारे में पूछ रहे होते हैं, आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछ रहे होते हैं। जैसे अभी आजकल पैलेस्टीन का इशू चल रहा है, तो आपसे उसके बारे में पूछ सकते हैं कि आपके क्या ओपिनियन है उसके बारे में। आपसे पूछते हैं, एक जनरल के साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है उनमें, तो वो आपसे, आपकी कभी लड़ाई हुई है किसी के साथ? अच्छा, अगर आपकी लड़ाई हुई है तो किस बेसिस के ऊपर आपकी लड़ाई हुई है, और आपको किस तरह के लोग पसंद नहीं है? अगर हम आपको कहीं इस जगह पे पोस्ट कर दें तो आप तो सिटी से दूर हो जाएंगे, तो आपके लिए कोई इशू तो नहीं होगा? तो वो आपकी मेंटेलिटी बेसिक चेक कर रहे होते हैं कि इफ़ यू आर गोना स्टिक टू दैट और यू आर नॉट, और आप के जो आपके को वर्कर्स हैं आप उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेंगे काम करने के दौरान? तो वो जो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है अपना एक बेहतर किस्म के जो है वो स्टूडेंट्स आ सके, एटीट्यूड वाइज भी बेहतर हो, ठीक है, स्पेशलाइज स्किल तो हो ही हो, लेकिन एटीट्यूड वाइज भी वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सके और एक टीम बिल्ड हो जो है ना, एज कम्पेयर टू इंडिविजुअली जो है लोग करते रहे, ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि आपने इंटरव्यू प्रोसीजर तो बता दिया, जो है एक बंदा जो सिलेक्ट हो जाता है एमएस प्यास में, उसके लिए हॉस्टल अवेलेबिलिटी का क्या इस्तेमाल है, मतलब सबको हॉस्टल अवेलेबिलिटी होती है या डे स्कॉलर का सीन है, या मतलब हॉस्टल है
और है तो सबको अवेलेबल होता है, जैसे जीके वगैरह में तो मेरा सबको मजबूरी होती है कि लोगों ने हॉस्टल लाइफ भी रहना है जो है ना, मेरा नहीं ख्याल होता डे स्कॉलर होता, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो ऐसे ही है। तो उसमें क्या इसमें कंपल्शन है जो है? ये होता है अवेलेबिलिटी के बेसिस पे ऊपर होता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जनरल ये रहा है कि जो इस्लामाबाद के लोग हैं ना, पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं, उनको वो शुरू में हॉस्टल्स नहीं देते, उनके लिए ट्रांसपोर्ट है, प्याज की ट्रांसपोर्ट तकरीबन हर जगह पे जाती है, पीडब्ल्यूडी साइड पे जाती है, सेक्टर्स के अंदर जाती है, पिंडी साइड पे जाती है, सदर वगैरह साइड पे, तो वो स्टार्ट में आपको जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं उनको देती है ट्रांसपोर्ट देती है, और बाकी जो सारे लोग हैं उन सबको वो हॉस्टल्स के अंदर अकोमोडेट करते हैं। उन्होंने बंदे ही इतने उठाने होते हैं, तकरीबन 150 से 200 के दरमियान मास्टर्स के बंदे उठाने होते हैं, और ये 200 के आसपास इन्होंने बीएस के अंदर बंदे उठाने होते हैं, तो इतने हॉस्टल्स इनके पास अवेलेबल होते हैं। अब जब बाकी सिटीज़ के लोग कंप्लीट हो जाते हैं ना, उसके बाद वो देखते हैं हॉस्टल्स कितने वेकेंट हैं, और उसके बाद वो कैंडिडेट्स देखते हैं जो कि चाहते हैं इस्लामाबाद के लोग हॉस्टल अवेल करना, और फिर उनको हॉस्टल्स मिलते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले जो ऑब्वियसली इस्लामाबाद वाला तो फिर भी मूव कर सकता है, मतलब अपने घर में आ सकता है अल्टीमेटली, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी वो होती है जो आउटसाइड, मतलब जो है ये ट्विन सिटीज से बाहर आया होता है उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। फिर उसके बाद जो है अगर अवेलेबिलिटी हो तो जिस जिसने अप्लाई किया वो प्रायोरिटी बेसिस पे आता रहता है। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा आप जो फेलोशिप है उसका तो हमें कॉन्सेप्ट है कि उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है और जो है वो फी भी वेवियर हो जाती है। आप मुझे बताएं आप रेगुलर फीस में जो है उसमें उसमें क्या सीन होता है, मतलब कितनी फीस है एमएस की पे आसपास? मास्टर्स के लिए उसकी राउंड अबाउट 70 to 80 thousand बन जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप हॉस्टल अवेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक और ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स के ऊपर भी। जैसे कि आपकी इनिशियल फीस तो 70 thousand के अराउंड बनेगी मास्टर्स की पहले सेमेस्टर की, दूसरे सेमेस्टर में भी आपका कोर्स वर्क होगा लेकिन आपको एडमिशन फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, तो तकरीबन आपकी 40 के अराउंड बन जाती है। और उसके बाद आपका जस्ट रिसर्च होता है जिसके अंदर आपके तीन तीन छः छः क्रेडिट आवर्स होते हैं, 6 क्रेडिट आवर्स होते हैं, तो उसकी फीस और आपकी कम हो जाती है, तकरीबन 15-20 हज़ार के अराउंड बन जाती है। तो ये मूव करती है पहले 2 सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर में 70-80 से, डिपेंडिंग अपन आपने हॉस्टल लिया ट्रांसपोर्ट लिया या नहीं, फिर मूव करती है राउंड अबाउट फ्रॉम द रेंज ऑफ 40 to 50, और 10 देन आपकी 20 to 25 के अंदर मूव कर जाती है आखिरी साल के लिए। सही सही। अच्छा, ये फीस है। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं कि जैसे फेलोशिप वालों को तो स्कॉलरशिप वो मिल जाता है और स्टाइपेंड भी मिल जाता है जो है, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि एक जो रेगुलर फीस वाले हैं इनको भी कोई स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी होती है कि मतलब आप प्यास की तरफ से या आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती हो जो जो नहीं इसको अफोर्ड कर सकते? प्यास के अंदर दो टाइप के स्कॉलरशिप जनरली चल रहे हैं जो कि मैंने देखे हैं, एक तो यूएस एड बेस के ऊपर चल रहा है जिसके अंदर आपको कम्प्लीटली आपकी फ़ी भी वो दे देते हैं, बीएस लेवल के ऊपर तो शायद वो मिल रहा है, एमएस लेवल के ऊपर आई एम नॉट श्योर कि वो मिलता है या नहीं मिलता है यूएस एड का। यूएस एड के अंदर ये होता है कि आपको फ़ी आपको पेपर मिल जाता है, आपको बुक्स वगैरह के पैसे मिलते हैं, हॉस्टल्स के पैसे मिलते हैं, थोड़ा बहुत स्टाइपेंड मिलता है। उसके अलावा प्यास का एक अपना फंड है जो कि वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप देता है। प्यास के अंदर मेरी नज़र के अंदर आज तक एक ऐसा केस नहीं आया जिसके अंदर किसी लड़के को फीस का इशू हुआ, ठीक तो है। वो ऑन द बेसिस ऑफ योर नीट आपको ट्यूशन फी वेवर देते हैं रेंजिंग फ्रॉम 25% to 100%। सही। और उसके अलावा सोसाइटीज भी हैं जो कि चिप इन करते हैं सारे लड़के कि अगर किसी को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो फीस वगैरह का इशू रिजॉल्व हो जाता है। तो फीस का इशू मेरे ख्याल में प्यास के अंदर नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, सही। यानी वंस यू गेट एडमिशन इन प्यास तो ये इतना मैटर नहीं करता कि आप मतलब मिडिल क्लास या इससे भी कहले कि आप लोअर क्लास हैं और आप नहीं कर सकते अफोर्ड, तो आपको जो है प्यास मेक श्योर करती है कि आप जो है अपनी ग्रेजुएट जो मास्टर्स है वो कंप्लीट करके जाए बस। आपको पहले सेमेस्टर के लिए थोड़ा पेन लेना पड़ता है कि आपको एडमिशन सिक्योर करने के लिए आपको करना पड़ता है, फी देनी पड़ती है, लेकिन वंस आपने फी दे ली है और उसके बाद आपकी ट्यूशन फी वेवर अगर आपका लग गया है तो वो आपका डिग्री के स्टार्ट से लगता है, जो आपने फीस दी है ना वो भी आपको किसी हद तक वो आपकी फर्दर एडजस्ट हो जाती है। अच्छा ठीक। अच्छा, थोड़ा सा इधर इधर ही हुआ कि जो है आपने जैसे आप तो रेगुलर फीस दे रहे हैं लेकिन ये जो फेलोशिप है ये टेस्टिंग के दौरान ही वो आपसे प्रायोरिटी असाइन करवा लेते हैं, मतलब इसके जब आपका दाखला हो रहा होता है और जो एडमिशन फॉर्म फॉर्म होते हैं उसी में आपसे प्रायोरिटी वाइज वो करवा लेते हैं, यानी कि फिर आपका अगर मेरिट आया तो वो खुद ब खुद वो आपको फेलोशिप मिल जाती है, या फेलोशिप के लिए मतलब जब आप चले जाते हैं यूनिवर्सिटी में उसके बाद जो है आपसे क्वेश्चनिंग होती है? फेलोशिप का प्रोसेस ये है कि आपने सबसे पहले एडमिशन के लिए आपने फॉर्म फिल किया डन हो जो कि गया, रेड प्यास के ऊपर आपने ठीक किया, है। उसके ऊपर आपने प्रेफरेंस लिख दी सबसे टॉप के ऊपर, जेन्युइन होती है हर कोई यही लिखता है कि आपने ना वहाँ से प्यास से फेलोशिप के ऊपर आपने मास्टर्स करना है। आपका टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, आप मेरिट के ऊपर आ गए, आप सिलेक्ट हो गए,
ऑटोमेटिकली आपको ना फेलोशिप ऑफर हो जाएगी। ठीक है, फेलोशिप ऑफर होने के बाद ये होगा कि आपके साथ एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा जिसके अंदर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरा एग्रीमेंट होगा। अगर आपको लगता है कि वो आपको सूट करता है तो आप उसे एक्सेप्ट करें, वरना आप रेगुलर फी के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, वरना आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है जीरो सेमेस्टर। जीरो सेमेस्टर में ये होता है कि आपके बेसिकली थ्री टू फोर सब्जेक्ट्स होते हैं और वो ढाई एक महीने का सेमेस्टर होता है, ढाई तीन महीने का सेमेस्टर होता है। अक्टूबर से जनरली स्टार्ट होता है, सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होता है, जनवरी तक जाता है। आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, जनरल प्रोग्रामिंग होती है, इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं और उसके अंदर आपने थ्री से ऊपर मेंटेन करना होता है। अगर आप उससे थ्री से ऊपर मेंटेन कर लेना तो आपकी फेलोशिप सिक्योर हो जाती है। अगर आप थ्री से ऊपर मेंटेन ना कर सकें तो वो आपकी फेलोशिप खत्म कर देते हैं। खत्म कर देते हैं, सही है, सही है, ठीक है। यानी कि उसमें जो है जीपीए की कंपल्शन आ जाती है कि इतना जीपीए आपने मेंटेन करना है। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि आप जो है जो फेलोशिप अचीव कर ली जो है, तो इसके अलावा इसमें इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट यूजुअली जो है वो आपको फेलोशिप, ऑब्वियसली अल्टीमेटली तो आपने डिपार्टमेंट्स में ही आपकी एलोकेशन हुई होती है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में मोस्टली जो है वो जो फेलोशिप ऑफर करते हैं आपको? फेलोशिप इसके अंदर ऑफर हो रही है मास्टर्स के अंदर कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, अगर आप सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें सिस्टम्स के अंदर ऑफर होती है, और जो इलेक्ट्रिकल पावर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें एमएस इलेक्ट्रिकल के अंदर ऑफर होती है। उसके अलावा मैकेनिकल डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ऑफर हो रही है मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर, न्यूक्लियर इंजीनियर के अंदर आपको ऑफर हो रही होती है, प्रोसेस में हो रही होती है, मिनरल रिसोर्स के अंदर हो रही होती है, रेडिएशन फिजिक्स में हो रही है, उसके अलावा मेडिकल फिजिक्स के अंदर हो रही है, फिजिक्स के अंदर हो रही है। इनका एक अलग डिपार्टमेंट है डीपीएम के नाम से, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो वो उसके अंदर फिजिक्स के अंदर हो रही है, केमिस्ट्री के अंदर आपको हो रही है। अब इन्होंने पिछले साल से कंप्यूटर साइंस के अंदर एक इनका अलग डिपार्टमेंट आया है साइबर सिक्योरिटी का, उसके अंदर आपको फेलोशिप ऑफर हो रही है। उसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर आपको फेलोशिप ऑफर हो रही है, और उसके बाद रेडिएशन एंड मेडिकल ऑनकोलॉजी के अंदर हो रही है जो कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए है, उसके अंदर आपको फेलोशिप ऑफर। माशाल्लाह, मेरा अगला क्वेश्चन ये आने लगा था कि कौन सी डिग्रीज ऑफर करते हैं ब्यास, लेकिन वो आपने मोस्टली मेरे ख्याल में शुरू यही कवर कर दिए हैं, इतनी ही डिग्रीज हैं या इसके अलावा भी कोई ऐसी डिग्रीज हैं जो ब्यास ऑफर कर रहा है एमएस में? डिग्रीज बेसिकली यही है, इसी के अंदर ही आपको फेलोशिप्स भी ऑफर हो रही है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा आप जाने से पहले अगर मुझे बताएं कि कोई आप जो स्टूडेंट्स हैं जो कह लें जो प्यास आए होते हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में प्यास का कल्चर शुरू से ही जान रहे होते हैं, उनके लिए शायद एमएस में जो है एडवांसमेंट इतना मसला ना होता हो। कोई भी कह ले कोई नर्स से आ रहा है, फास्ट से आ रहा है, किस तरह के स्टूडेंट्स जो है वो प्यास में आके ओके रहते हैं, और किस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए उस जो है एनवायरमेंट में जो है मसला आता है, मतलब स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ा सा इस बारे में अगर बता सकें जो है। इसके बारे में अगर आप बात करें तो प्यास कोई एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि आपको 50 फील्ड्स के अंदर चार चार सेक्शन लेके आपके ढेर सारे स्टूडेंट्स वगैरह उठाती हो। 2015 तक तो इवन प्यास बीएस के अंदर 100 स्टूडेंट्स उठाती थी, सिर्फ 100 साल के अंदर 100 स्टूडेंट्स उठाती थी, और एमएस के अंदर तकरीबन 200 के अराउंड स्टूडेंट्स उठाती थी। तो प्यास की पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है। अब पॉपुलेशन थोड़ी होने का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फ़ायदा आपको इस सेंस में हो जाता है कि एक आपकी बड़ी क्लोज सी कम्युनिटी होती है, टीचर्स आपको जानते होते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं प्यास के, कि आपको वो प्रोटोकॉल्स वाला हिसाब नहीं है कि अगर आपने किसी से बात करनी है, आपको कोई मसला है, आप रजिस्ट्रार के पास डायरेक्ट चले जाएं, वो आपको गाइड करता है अच्छे तरीके से, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास चले जाएं, वो आपको गाइड करता है। तो ये एक अच्छी चीज़ों के अंदर आ जाती है, क्लोज कम्युनिटी, हर कोई एक दूसरे को जानता होता है, और पार्टिसिपेशन का आपको बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं कंपैरेटिवली, उनके अंदर पार्टिसिपेट करना ईजी होता है, IEEE के अंदर हर किसी को, IEEE हो गई, लिटरेरी सोसाइटीज़ हो गई, डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं ASME है, और उसके अंदर आपकी पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाती है, हर किसी को मौका मिलता है काम वगैरह करने का, हर किसी को मौका मिलता है कुछ ना कुछ करने का। और इसके अलावा अगर आप बुरी बात इसके अंदर देखें कि क्या है कि प्यास कंपैरेटिवली बड़े रिमोट इलाके के अंदर है, प्यास लोकेटेड है निलोर के अंदर। अगर आपने निलोर से किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए जाना है तो आपको सबसे पहले मेरे ख्याल में एटलीस्ट 15 से 20 किलोमीटर तक आपको आना पड़ेगा, जब अगर आपने फैज़ाबाद जाना है, आपने सेक्टर्स वाली साइड के ऊपर जाना है, सदर जाना है, आपको 20-25 किलोमीटर लग जाएंगे। तो कंपैरेटिवली रिमोट इलाका है, तो कुछ लोग ये शिकवा करते हैं कि हम उस तरीके से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्स नहीं हो सकते। जी, अब डिपार्टमेंट्स कम है प्यास के अंदर, क्या पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, आपके पास आर्ट्स के स्टूडेंट्स नहीं है, आपके पास लॉ के स्टूडेंट्स नहीं है, आपके पास बाकी उन चीज़ों के स्टूडेंट्स नहीं है जो कि एक एक डिफरेंट
एनवायरनमेंट क्रिएट जो है वो कल्चर कल्चर एक होता है, आपकी एक्टिविटीज होती हैं, आर्ट एक्टिविटीज होती हैं, आपके इवेंट्स होते हैं. तो जो इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंसेस वाले कैपेबल हैं इस तरह का एक्टिविटीज करने का, उसी लेवल की एक्टिविटीज होती हैं. इनके अच्छे कुछ हैं भी, नुक्ता वगैरह है, और इसके अलावा ये लोग ओलंपियाड वगैरह कराते हैं. तो ये एक कंपैरेटिवली मेरे ख्याल में मुझे एक डाउन साइड लगती है. लेकिन अपसाइड ये है कि वहाँ पर रिसर्च इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है. अगर आपने पढ़ना है ना, अगर आपने जस्ट पढ़ना है तो उससे अच्छी आपको जगह नहीं मिल सकती. आपको फैकल्टी मिलेगी जो कि कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट है, हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स आपको मिलेंगे, आपको जॉर्जिया टेक के मिलेंगे, और एक्सट्रीमली फ्रेंडली भी होंगे. आपकी स्टूडेंट टू टीचर रेशियो जो उनसी है वो बड़ी अच्छी है कि आपका एक सेक्शन तकरीबन 40-50 का होता है बीएस के अंदर. और अगर आप मास्टर्स के अंदर जाए तो सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर सिर्फ 16 लड़के थे इस मरतबा. आप पावर के अंदर देखें तो सिर्फ 10 लड़के थे. अब एक जब 10 की क्लास बैठी हुई होती है ना, तो आपका जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो और हो जाती है. और एक 150 की क्लास या 100 की क्लास या 80 की क्लास के अंदर आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी और हो जाती है. तो अगर आप उसको थोड़ा सेक्रीफाइस कर सकें, तो आप, अगर आपका मेन फोकस रिसर्च है और हायर एजुकेशन है, तो आपके लिए मेरे ख्याल में दैट्स अ हेवन इन पाकिस्तान. रायमो मदानी साहब, इसके अलावा कोई फाइनल एडवाइस? ये तो मेरे ख्याल में आपने एक सम अप कर दिया है. फाइनल एडवाइस आपको स्टूडेंट्स जो उनसे ले रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं, मेरे ख्याल में हम काफ़ी हेस्टली डिसीजंस लेते हैं. हमें पता नहीं होता कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं. आप जस्ट देख रहे होते हैं, एक स्टेप फर्दर देख रहे होते हैं. तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, आप बेशक बीएस के लड़के हैं, एमएस के लड़के हैं, आप देखें आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन लें आप. तो मैं तो यही कहूँगा बस, माशाल्लाह भेड़ चाल ना चलें. अगर आपको कोई कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मेरिट्स के ऊपर ना चलें, इलेक्ट्रिकल का मेरिट हाई है तो आपने वो करनी है, मैकेनिकल का मेरिट हाई है आपने वो करनी है. आप देखें इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, आपका दिमाग किस साइड के ऊपर चलता है. अब जैसे अगर आप आज से, मेरे ख्याल में जब 2015 के अंदर मैं जब कर रहा था, कंप्यूटर साइंस को समझा यह जाता था कि कंपैरेटिवली जो लो मेरिट के ऊपर जा रहे हैं ना वो कंप्यूटर साइंस में चले जाएंगे, जो हायर मेरिट के ऊपर जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर चले जाएंगे. लेकिन अगर आप फील्ड के अंदर आए ना, तो आपको पता चलता है कि यार ये किस बेसिस के ऊपर डिसीजन ले रहे थे. हमारे डिसीजन हमारे पेरेंट्स ले रहे थे जिन्होंने इंडस्ट्री आज से 20-25 साल पहले की देखी हुई थी. पाकिस्तान के अंदर भरमार लगा पड़ा सॉफ्टवेयर हाउसेज का. पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर हाउसेज इतना अच्छा पे कर रहे हैं कि वो डॉक्टर्स उतना नहीं आपको पे कर रहे, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को वो लोग इतना पे नहीं कर रहे, मैकेनिकल वालों को इतना पे नहीं कर रहे जितना उनको करें. तो इस सिर्फ इस बेसिस के ऊपर डिसीजन ना लें कि मेरिट कितना हाई है, आपके पेरेंट्स आपको किस में लेके जाना चाहते हैं, या आपको अगले स्टेप के ऊपर नौकरी किसके अंदर सबसे ज़्यादा जल्दी मिल रही है. एक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, वेरिएबल्स हैं जिनको इकट्ठा मिला के एक इक्वेशन बनाएं और फर्दर आप एक सोल्यूशन निकाल लें कि आप ये करना चाहते हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह, ये एडवाइस तो मैं पर्सनली, मैं खुद, मुझे पता है ना कि ऐसे ही होता है कि जो है ना, मतलब हम इंजीनियरिंग पे सिर्फ इसलिए टिक पहले कर रहे होते हैं कि यार इंजीनियरिंग का मेरिट ज्यादा होता है. अब शायद लोगों में कंप्यूटर साइंस की अवेयरनेस ज्यादा. मैं खुद टेलीकॉम इंजीनियरिंग से अल्टीमेटली कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैं इन चीजों को समझता हूँ कि जो है ना, मतलब शिफ्ट होने से मुराद ये है कि मैंने सॉफ्टवेयर हाउस जो चलाया है, तो शिफ्ट से मुराद ये नहीं कि मैंने कुछ स्पेसिफिक डिग्री किया. लेकिन फास्ट में कह लें, थोड़ा सा इस मामले में पहले ही विजनरी थे कि उन्होंने जो है ना, हमें पढ़ाने से पहले ही उन्हें पता था कि यार शायद टेलीकॉम जो है उसमें सैचुरेशन आ गई हुई है. तो उन्होंने अल्टीमेटली हमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड शुरू से ही बड़ा अवेयर रखा था कि जो है ना, अगर आप नहीं भी टेलीकॉम में जा पाते हैं तो आप अल्टीमेटली वो प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं. तो रियली थैंक्स टू देयर विजन के जो है ना, उनकी वजह से हम कामयाब हैं उसके. लेकिन ये एडवाइस वाकई होनी चाहिए जो है ना, हमें इधर ना वही इंडस्ट्री में वो हमें गाइड करने वाले वही बंदे. में ये नहीं कह रहा अभी से आपके पेरेंट्स की या आपकी फैमिली की इंटेंशन पॉजिटिव ही होती है, वो आपको सारी उम्र आपके लिए इतना खर्चा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इंटेंशन पॉजिटिव होती है. लेकिन यह कि इंटेंशन पॉजिटिव होने से आपको सही मशवरा मिल जाना ये जरूरी नहीं है कि आपको मशवरा भी सही मिल रहा हो अगर उनकी इंटेंशन पॉजिटिव है. हो सकता है उनकी इंटेंशन पॉजिटिव हो, लेकिन वो जो जिस सोसाइटी में उन्होंने ग्रो अप किया वो सोसाइटी ही आप जो है वो चेंज हो चुकी है. तो जो है ना, इस चीज को जो है ना मद्देनजर रखना चाहिए. तो ये चीज है, बल्कि बिल्कुल मेरे ख्याल में इधर पाकिस्तान में अभी ट्रेंड नहीं आया है. यानी तो शायद बड़े बड़े स्कूल्स में आ चुका हो कि किसी जमाने में जो सॉरी किसी जमाने में कह रहा हूँ बाहर जो है ना, ये बड़ा ट्रेंड है कि वो देखते हैं कि यार बंदे का मतलब किस फील्ड की तरफ फोकस है, अल्टीमेटली ये किस फील्ड में जाना चाहता है, तो वो कोशिश करते हैं. फिर भी ऑब्वियसली वो तो एक बंदे की खुद की ही चॉइस है कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि जो है ना यार इस ब्रांच की तरफ जाएगा तो ये ज्यादा इजीली जो है ना वो डेवलप कर पाएगा अपने आप को. तो इस तरह का एक काउंसलिंग वगैरह का सीन जो है ना इधर हमारे स्कूल्स में भी होना चाहिए. गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बिल्कुल ही नहीं है, शायद प्राइवेट स्कूल में. हम तो जिन स्कूल से पढ़े हैं उधर तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हो सकता है बेहतर स्कूल में जो है वो होता हो.
ये चीज है, ये काउंसलिंग का सीन होना चाहिए। नथिंग अगेंस्ट देम, हम माशाल्लाह उसी सिस्टम से निकल आए आए हैं, लेकिन एक चीज जो गलत है वो गलत है, वो अल्टीमेटली ठीक होगी तो सबकी बेहतरी आने वाली है उससे जो है ना। तो अच्छा रहा है मोहम्मद दानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का डियर। तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपके सारे पर्टिनेंट क्वेश्चन राय मोहम्मद दानी साहब ने क्लियर कर दिए। इसके अलावा कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियो इस तरह की हेल्पफुल मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।